गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं? जल्दी से बेटा जुड़ जाइए। बेटा गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी से बेटा जुड़ जाइए सब लोग, फिर आगे क्लास की पढ़ाया जाए। काव्या गुड मॉर्निंग बेटा, एकता गुड मॉर्निंग, अंशुल सभी बेटा गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज़ बेटा प्रॉपर जा रही है? आवाज़ प्रॉपर जा रही है? अच्छा, जल्दी से बेटा मैसेज करो, कल कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, कौन से फाइलम तक, उसके आगे पढ़ाया जाए। जल्दी करो बेटा, बताओ नेक्स्ट फाइलम बेटा स्टडी किया जाए। ठीक है, गुड, नेक्स्ट फाइलम बेटा स्टडी किया जाए। चलो योगेश कुमार गुड मॉर्निंग बेटा, चलो गुड, चलो बेटा जुड़ जाओ जल्दी से। चलिए नेक्स्ट फाइलम बेटा स्टडी किया जाए। नेक्स्ट फाइलम यहाँ से हो जाएगा। विनय गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी जल्दी बेटा जुड़ जाओ। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम, यहाँ से हो गया फाइलम मोलस्का। बेटा मोलस्का, फाइलम मोलस्का, सॉरी बेटा, फाइलम मोलस्का की क्या खास बात है? अच्छा, आर्थ्रोपोडा का रिप्रोडक्शन नहीं हुआ था बेटा, वो यूनिसेक्सुअल होता है, वो भी पेरस होता है, उसको देख लेना, ठीक ना वैशाली? कल बेटा पूछ रहा था तो नहीं बताया आपने, चलिए अच्छा आज देख लीजिएगा। चलिए फाइलम, फाइलम मोलस्का। बेटा मोलस्का को क्या कहा जाता है? मोलस्का का जो पहला क्वेश्चन बनता है कि इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। बेटा इसको बोलते हैं सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। गुड बेटा, काव्या सिंह ने आंसर पहले ही दे दिया, इसको कहते हैं सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। बेटा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा था? फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था? फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, बहुत अच्छा बेटा, चलो गुड गुड, जल्दी से और लोग जुड़ो। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम बेटा ये हो गया, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था? हाँ ठीक है, रावण राज ने बेटा आंसर दिया, शॉर्ट बॉडीज एनिमल्स। गुड बेटा, चलो इसके देखो, इसका मोलस्का का मतलब होता है, ये इसका मीनिंग बेटा होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। शॉर्ट बॉडी का मतलब बेटा ये हुआ कि इसकी बॉडी बहुत ही कोमल होती है, बहुत ही मुलायम होती है, ये बेटा फ्लेशी होती है, ऊपर से कवच जरूर होता है बट बेटा ये फ्लेशी जरूर होती है, पूरी की पूरी बॉडी कैसी होती है, मांसल होती है, सॉफ्ट होती है, इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं क्या, शॉर्ट बॉडीज एनिमल्स। गुड बेटा, बहुत अच्छा। इसके बाद यहाँ पर देखो, इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी बेटा कैसी होती है, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। बेटा ये लाइन आपको रटी होनी चाहिए, ये लाइन भूलना नहीं है, फाइलम बेटा मोलस्का हमेशा याद रखना, फाइलम मोलस्का की बॉडी अनसेगमेंटेड होगी। बेटा कैसी होगी? अनसेगमेंटेड होगी, राइट, बॉडी अनसेगमेंटेड होगी, शॉर्ट बॉडी होगी, अनसेगमेंटेड होगी, मतलब बेटा इसमें कोई भी सेगमेंट नहीं पाया जाएगा। गुड बेटा, बहुत अच्छा। लेकिन एक है जिसको हम लोग कहेंगे एक्सेप्ट नियो पिलाइना या पिलिना, नियो पिलाइना, नियो पिलाइना में बेटा क्या होती है, इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इसकी बॉडी बेटा सेगमेंटेड होती है, इसकी बॉडी बेटा सेगमेंटेड होती है। जल्दी से मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, मैं बेटा आगे बढ़ जाऊँ। मेरे एक क्वेश्चन का बेटा आंसर आप दे देंगे, हाँ ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन बेटा ये है कि कौन कौन से ऐसे फाइलम है जो जिसमें
ट्रू सिगमेंटेशन पाया जाएगा। फाइलम का नाम बोलो जिसमें ट्रू सिगमेंटेशन होगा। चलो बेटा और लोग जुड़ो जल्दी से, फाइलम का नाम बताओ जो इसकी बॉडी सिगमेंटेड होती है। तीन फाइलम का नाम जिसकी बॉडी सिगमेंटेड होती है, चलो जल्दी करो। अरे चैट बॉक्स बेटा रनिंग कंडीशन में रखो, ठंडे पड़ गए हो। हाँ गुड बेटा, नम्रता ने एनिलिडा आर्थोपोडा, गुड बेटा। मोलस्का एंड एनिलिडा का कनेक्टिंग लिंक न्यूप्लाइना होता है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, मैंने ये नहीं पूछा था। हाँ गुड गुड बेटा, ये सुजीत का आंसर आ गया, बहुत अच्छा बेटा, कार्डेटा होता है। तो क्या आप मुझे बताएंगे, क्या मुझे ये बताएंगे बेटा कि इसकी बॉडी सिगमेंटेड है कि अनसिगमेंटेड? तो आपका आंसर हो जाएगा इसकी बॉडी अनसिगमेंटेड होगी। लेकिन ये नियोपिलाइना, जो नियोपिलाइना होता है बेटा, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थोपोडा एंड मोलस्का। आर्थोपोडा और मोलस्का के बीच का ये कनेक्टिंग माना जाता है, राइट बेटा। ये तो कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए। छोटे छोटे पॉइंट के बाद इसमें हम लोग बेटा देखते हैं इसका हैबिटेट या एक फिगर के फॉर्म में बेटा इसको हम लोग देख लें तो ज़्यादा सारे करेक्टर एक साथ डिफाइन कर दे, राइट। सारे करेक्टर बेटा एक साथ डिफाइन कर दे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एक फिगर आप देख लो, बट एक फिगर समझ लो, फिर इसके बाद चलो बेटा अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस फिगर को बेटा ध्यान से सुन लो, अपने आप जितने क्वेश्चन बेटा बनेंगे वो आ जाएंगे। चलो पहला पॉइंट, इसकी जो बॉडी बेटा, ये बॉडी होती है ना ये, गुड बेटा बहुत अच्छा, इसकी जो बॉडी है ना ये, इसको हम लोग बोलते हैं, जो साठ बॉडी है इसको बोलते हैं विसरल हम्प बेटा, विसरल हम्प बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं विसरल हम्प, ऐसा बेटा बोला जाता है। हम इसके ऊपर की ओर, विसरल हम के ऊपर बेटा ध्यान देना, विसरल हम के ऊपर यहां पर पाया जाएगा मेंटल या बेटा पैलियम, मेंटल या पैलियम, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं मेंटल, या इसी का अदर नेम है बेटा पैलियम, ठीक है, मेंटल या पैलियम बेटा। थोड़ा सा जुड़ जाइए जल्दी से और लोग, फिर अब देखो इसके बाहर की ओर बेटा क्या पाया जाएगा, सेल अगर है तो इसके बाहर की ओर बेटा एक और लेयर पाई जाती है, इसके बाहर की ओर एक और लेयर पाई जाती है, उसको बोलते हैं सेल, SHELL बेटा, सेल। सेल मीन्स क्या हो गया, कवच, सेल या कवच, क्या बेटा आप समझ पा रहे हैं, ये सेल या कवच, ये सेल किसका बना होगा, तो सेल बेटा ऑलवेज बना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, ये राइट, सेल ऑलवेज बना होगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, राइट बेटा, सेल किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा, ये जो मेंटल है या पैलियम है यही सेल का सिक्रीशन करता है, मेंटल या पैलियम सिक्रीट द सेल, सेल का फॉर्मेशन। क्या बेटा सारे मोलस्क में सेल पाए जाएंगे, मेरा क्वेश्चन है बेटा, आप ध्यान से बताओ, गुड बेटा, क्या सारे फाइलम में सेल पाए जाएंगे, कौन बताएगा, नहीं, विनय ने कहा नहीं। अच्छा किसमें सेल नहीं पाया जाता है, नम्रता का भी आंसर आया, जल्दी बोलो बेटा किसमें सेल नहीं पाया जाएगा, कवच जिसमें नहीं पाया जाता है, गुड बेटा, नम्रता ने आंसर दिया ऑक्टोपस में सेल नहीं होता है, सेल बेटा एब्सेंट है ना ऑक्टोपस, यहां पर याद रखना ऑक्टोपस में बेटा ये एब्सेंट होता है सेल। अच्छा क्या सारे जितने भी मोलस्क हैं सब में बेटा बाहर की ओर ही सेल होगा कि किसी में इंटरनल सेल भी होगा,
अगर किसी में किसी मोलस्क में इंटरनल सेल है तो नाम बता दो बेटा, किसी मोलस्क में इंटरनल सेल है क्या? इंटरनल सेल है तो बता दो आप जल्दी से, इंटरनल सेल है तो जल्दी से बेटा बता दो। हाँ गुड बेटा, कटल फिश, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। कटल फिश में, कटल फिश में बेटा क्या हो जाएगा? इंटरनल सेल होता है। तो सेल, ये देखो पहले अब तो 3 पॉइंट बेटा क्लियर हो गया। विसरल हम्प, विसरल हम्प का मतलब इसकी जो साठ बॉडी है उसको कवर किए हुए बेटा कौन सा पार्ट पाया जाएगा? विसरल हम्प। उसके बाहर की ओर कवर किया हुआ पार्ट क्या कहलाएगा? मेंटल। मेंटल को ही बेटा पैलियम बोलते हैं। पैलियम ही आगे चल करके सेल का सिक्रीशन करता है। और ये सेल बेटा पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा ये डिपेंड करेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोलस्क में, राइट बेटा? आगे बढ़ा जाए। हाँ ठीक है गुड। अब देखो इसका ये जो पार्ट है बेटा, ये इसका हेड का पार्ट है, ये इसका हेड का पार्ट है। इस पर लगा हुआ ये देखो, ये ऐसे आईज बेटा पाई जाती हैं इसमें। क्या पाई जाती हैं? आईज। और जिस स्टॉक से बेटा लगा होता है इसके आई स्टॉक को क्या बोलते हैं? कौन बच्चा बोलेगा जल्दी से बेटा मैसेज करो, आई स्टॉक को क्या कहते हैं? आई स्टॉक को क्या कहते हैं? मेरा क्वेश्चन बेटा समझ पा रहे हैं? ये यहां पर देखो मैंने कहा है कि ये आईज है, इसको बेटा ये किस हेड पर लगा होता है, ये किसी स्टॉक के द्वारा लगा होता है। अरे गुड बेटा, दर्शन ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छा। ओमैटो फोर, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं ओमैटो फोर। गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, ओमैटो फोर ये हेड हो गया। हेड पर ही बेटा कुछ क्या लगे होते हैं? जरूरत पड़ती है तो टेंटिकल भी लगे होते हैं। क्या लगे होंगे? टेंटिकल। ये इसका बेटा माउथ का पार्ट है। माउथ के पार्ट में यहाँ पर बेटा कुछ रेस्पिंग आर्गन होते हैं, अलग से बेटा इसको ऐसे बना लेते हैं। इस रेस्पिंग आर्गन का नाम कौन बताएगा? चलो जल्दी से बेटा मैसेज करो, रेस्पिंग आर्गन कौन बताएगा बच्चा? अरे वाह बेटा, रेडुला। वाह, रेडुला, रेडुला। रेडुला क्या होता है? रेस्पिंग आर्गन। ये रेस्पिंग आर्गन बेटा क्या होता है? रेस्पिंग आर्गन, रेस्पिंग आर्गन क्या होता है भाई? इसका मतलब क्या होता है? हम लोगों में टीथ होता है ना, हम लोगों में टीथ होता है, किसी भी फूड को खाते हैं काटते हैं, वैसे ही इसमें क्या पाया जाता है? रेडुला। रेडुला बेटा एक टाइप का क्या होगा? कटिंग आर्गन होगा। कैसा आर्गन होगा? कटिंग आर्गन होगा। गुड बेटा, बहुत अच्छा, रेस्पिंग आर्गन। हाँ ये कटिंग आर्गन जैसा काम करेगा। ठीक बेटा, ये देखो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये यहाँ पर ये पाया जाएगा स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट ये कौन सा आर्गन होता है बेटा? स्टैटोसिस्ट को क्या बोलते हो? जल्दी बोलो, स्टैटोसिस्ट को क्या बोलते हो? हाँ रावण ने बेटा आंसर सही दिया कि प्रेजेंट ओनली इन अ पाइला। बहुत अच्छा बेटा, जो रेडुला होता है वो केवल पाइला में पाया जाता है। गुड, स्टैटोसिस्ट को और क्या कहेंगे? एकता ने आंसर दिया बैलेंसिंग। हाँ गुड 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 बेटा, बहुत अच्छा, बैलेंसिंग आर्गन। अब देखो यहीं पर ये जो बेटा मेंटल है ना, ये इसके बीच में जो आर्गन, ये वाला जो स्पेस है मेंटल और विसरल आर्गन के बीच का बेटा जो स्पेस है इसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी, इसी में बेटा क्या पाए जाते हैं? इसी में फेदर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस फेदर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? टिनिडिया। टिनिडिया का मतलब बेटा ये किस में हेल्प करेगा? ये दो चीज़ों में हेल्प करता है। टिनिडिया बेटा हेल्प करता है किस में? एक तो ये टिनिडिया अगर लिखा है तो अच्छी बात नहीं बेटा, आपको समझना क्या है? गिल्स। अगर गिल्स का नाम लिख दिया है तो गिल्स क्या काम करेगा? ठीक है बेटा गुड, फेदर लाइक यहाँ पर क्या होंगे? गिल्स होंगे। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, फेदर लाइक गिल्स। अगर बेटा गिल्स फेदर लाइक है तो ये क्या काम करेगा? एक तो रिस्पिरेशन में हेल्प करेगा, किस में हेल्प करेगा? रिस्पायरेशन। और दूसरा बेटा यही देखो, एक जबरदस्त क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले ने लिख रखा है, बहुत जबरदस्त बेटा क्वेश्चन लिख रखा है। तो रिस्पायरेशन तो करता ही करता है, इसके साथ साथ किस में हेल्प करता है? ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, एनसीईआरटी वालों ने बेटा इसको लिख रखा है। तो ये जो फेदर है ये मेंटल कैविटी में बेटा प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा? मेंटल कैविटी में। और देखो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो माउस के नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बेटा बोलते हैं मस्कुलर
मस्कुलर फुट, ये बेटा उसका पैर वाला हिस्सा होता है, उसका पैर का हिस्सा होता है, ठीक। चलो अब ये देखो, ये पूरा का पूरा बेटा इसकी बॉडी कैविटी है। इसकी बॉडी कैविटी को हम लोग हीमोसील बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? हीमोसील। इसकी जो बॉडी कैविटी होती है इसका क्या नाम है? हीमोसील। अब यहीं पर देखो क्या प्रेजेंट होगा, ये देखो यहां पर बेटा पाया जाएगा गोनेड्स। क्या प्रेजेंट होगा? गोनेड्स। इस जगह पर बेटा पाया जाएगा स्क्रीटी आर्गन। बेटा यहां पर पाया जाएगा हार्ट वगैरह बेटा प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये गोनेड्स हो गया, ये पार्ट बेटा यहां पर स्क्रीटी आर्गन हो गया, ये हार्ट का पार्ट हो गया। लेकिन ये जिस जगह पाए जाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? हीमोसील। जो इसकी बॉडी कैविटी है, इसकी बॉडी कैविटी को बेटा हम लोग बोलते हैं हीमोसील। बॉडी कैविटी इज नोन एज क्या? हीमोसील। हीमोसील में क्या भरा होगा बेटा? हीमोलिम्फ भरा होगा। हाँ गुड बेटा। चलो अब आप जल्दी जल्दी इसके जनरल प्रॉपर्टी को बेटा लिखना शुरू करते हैं हम लोग। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसको, ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेटा। आप इस फिगर को बना लीजिएगा, इसमें सारी चीज़ें वो इंक्लूड है जो आप जानना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं वो बेटा इसमें सारी चीज़ें भरी गई हैं या लिखी गई हैं, जो एनसीईआरटी की हर लाइन बड़ा कवर है इसमें। आगे मैं इसको बेटा फिगर को हटाऊं, हाँ बेटा अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, अंशुल पिगमेंट डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ देर बाद। हाँ ठीक है, इसमें बेटा बड़ा होगा। हाँ ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मुझे उम्मीद है बेटा इसमें से, इसमें अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ पूरा पूरा बेटा, लिख करके आपको दे दूँ। चलो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बेटा यहाँ से बनता है इसका हैबिटेट। तो क्या होगा, क्या हैबिटेट बेटा? मोस्टली मैरिन होंगे, कुछ फ्रेश वाटर होंगे और कुछ बेटा क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल होंगे। तो ये दोनों हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकता है। एक्वाटिक में बेटा फ्रेश वाटर, कोई नाम बेटा आपसे चाहिए हमें मैरीन को, कोई एक एग्जांपल बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में बेटा, जल्दी करो। फ्रेश वाटर फार्म, कोई एक एग्जांपल फ्रेश वाटर फार्म में। चलो गुड बेटा, जल्दी जल्दी बोलो, मैसेज करो, कोई एक एग्जांपल बता दो बेटा जल्दी से, कोई एक एग्जांपल बता दो फ्रेश वाटर का। अरे वाह दिव्य, हाँ दिया ने बेटा आंसर दिया, बहुत अच्छा दिया। ये हो गया यूनियो। यूनियो बेटा क्या होता है? ये फ्रेश वाटर फॉर्म होता है मैरीन के, मोस्टली मैरीन अगर बेटा कहा जाएगा तो मैरीन क्या हो जाएगा? मोस्टली बेटा क्या होते हैं? ये मोस्टली मैरीन होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टेरेस्ट्रियल, कोई नाम बेटा बताओ जल्दी से टेरेस्ट्रियल। गुड बेटा, जैसे स्नेल, स्नेल वगैरह क्या होते हैं? ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। स्नेल वगैरह क्या होते हैं बेटा? ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, राइट। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको, हैबिटेट हो चुका है। हाँ गुड बेटा, पहला भी है। अब आप जो जनरल करेक्टर जानते हो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जल्दी बेटा बोलो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री, ये मैं आपसे जल्दी जल्दी भरवाऊंगा। जर्म लेयर, शिलोम, ये चारों पॉइंट बेटा आप क्लियर करो मुझे जल्दी से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुझे क्या लिखना चाहिए? हाँ गुड बेटा, ऑर्गन सिस्टम, बहुत अच्छा, गुड गुड, ऑर्गन सिस्टम, गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। सिमेट्री, लग रहा है कि जग रहे हो। चलो सिमेट्री, सिमेट्री बाईलेटरल, ओहो हो बेटा, कोई एक्सेप्शन बाईलेटरल का? बाईलेटरल तो है, इसका कोई एक्सेप्शन जल्दी से बेटा, इसका एक्सेप्शन बताओ मुझे, इसका एक एक्सेप्शन बाइलेटरल का कोई एक एक्सेप्शन? एक्सेप्शन पढ़ाया हूं बेटा, पाइला, पाइला में क्या होता है? एसिमेट्री होती है ना, पाइला में क्या होती है? एसिमेट्री। ऑक्टोपस नहीं होगा बेटा, पाइला में,
पाइला में क्या होगा? एसिमेट्री। चलो जल्दी से बताओ बेटा, पाइला में एसिमेट्री होगी। अगर पाइला में एसिमेट्री है तो क्यों है एसिमेट्री? क्यों एसिमेट्री है? हाँ काव्य बेटा ठीक है, वो इसका क्लास है वो गैस्ट्रोपोडा। हाँ ठीक है, जल्दी से बताओ ये एसिमेट्री क्यों है? एसिमेट्री क्यों है बता दो, मैं आगे बढ़ जाऊं। एसिमेट्री क्यों है भाई? चलो एसिमेट्री ड्यू टू बेटा क्या लिखाया था, पढ़ाया था मैंने, ड्यू टू ट्विस्ट करना या ट्विस्टिंग हो जाएगा या बेटा टॉर्जन करके लिखाया था। ठीक है हाँ गुड बेटा, दर्शन ने अच्छा आंसर दिया। देखो जर्म लेयर, जर्म लेयर ट्रिप्लो ब्लास्टिक हो जाएगा, सिलोम बेटा यहाँ पर होगा, साइजोसिलोम। बट बेटा याद रखना कैविटी अलग है इसकी, इसकी जो बॉडी कैविटी है वो अलग है ना, बॉडी कैविटी अलग है। तो अब इसके बॉडी फॉर्म पर आ गए, बॉडी फॉर्म पे सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेल। शेल बना होगा, किसका बना होगा जल्दी से बेटा बोल दो, कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। शेल में बेटा ये एब्सेंट वाला जरूर याद रखिएगा, एब्सेंट इन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का बेटा नाम बता दो, इसका कॉमन नेम क्या है ऑक्टोपस को और क्या कहते हैं, कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा ऑक्टोपस का कॉमन नेम, जल्दी बेटा जुड़ो और बताओ ऑक्टोपस का कॉमन नेम। गुड बेटा, सुजीत का आंसर आ गया, डेविल फिश, डेविल फिश। हाँ ठीक है, ऑक्टोपस को और क्या कहते हैं हम लोग, डेविल फिशेस या डेविल फिश बेटा बोलेंगे। दूसरा आंसर ये इंटरनल, इंटरनल सेल बेटा किसमें पाया जाएगा, इंटरनल सेल बेटा किसमें पाया जाएगा, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था आपसे, जल्दी बोलो मैं लिख दूं, इंटरनल सेल किसमें पाया जाएगा। गुड बेटा, नम्रता ने आंसर दे दिया, कटल फिश। कटल फिश को और क्या कहते हैं, इसका अदर नेम है बेटा सीपिया। ठीक है ना, अगर इसके एक्सटर्नल कहा जाएगा, एक्सटर्नल बेटा मोस्ट ऑफ द, एक्सटर्नल सेल अगर कहा जाएगा तो मोस्ट ऑफ बेटा मोलस्क हो जाएगा, मोस्ट ऑफ मोलस्का में क्या पाया जाएगा एक्सटर्नल। यहाँ बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, गुड बहुत अच्छा बेटा, अभी आंसर आ रहा है, ऐसे लगे रहो बेटा आंसर तुरंत आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलो नेक्स्ट, मेंटल बेटा क्लियर हो गया, पैलियम क्या हो गया, क्लियर हो गया पैलियम मेंटल, ये दोनों क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो आप आंसर तो बेटा पता ही है, कंप्लीट हो जाएगा। डाइजेशन कैसा हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब ये सब बेटा कोई बहुत करेक्टरिस्टिक एग्जांपल है नहीं इनके, ये हो गया राइट, एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, कंप्लीट हो गया। बट बेटा रेडुला आपको याद रखना है, रेडुला कहां पर प्रेजेंट है, रेडुला प्रेजेंट ही ना, जल्दी से बोल दो बेटा, पाइला। पाइला कैसा आर्गन होता है, रेस्पिंग आर्गन, रेस्पिंग समझ रहे हो ना, ये रेस्पिंग समझ रहे हो ना, काटने वाला, कटिंग आर्गन। ठीक है चलो, तो डाइजेस्टिव हो गया। इसके बाद बेटा रिस्पिरेशन तो आपने देख ही लिया, इसको हटा रहा हूँ बेटा। हाँ ठीक है, आगे बेटा बढ़ा जाए तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, अभी पीडीएफ आपको मिल जाएगा ये। चलो नेक्स्ट, यहाँ से बेटा रिस्पिरेशन, कौन बच्चा बताएगा रिस्पिरेशन किसके द्वारा होगा? तो रिस्पिरेशन बेटा दो कंसेप्ट मुझे आपको यहाँ बताने हैं, एक होता है ये टिनिडिया या टिनिडियम बेटा बोलते हैं, अगर सिंगुलर है तो टिनिडियम, जिसको आप क्या बोल सकते हो गिल्स ना, लेकिन इनकेस ऑफ द बेटा पाइला, पाइला में एक होता है पल्मोनरी शैक। बेटा क्या होता है पल्मोनरी शैक, ये लंग्स जैसा, जैसे बुक लंग होता है ना बेटा, बुक लंग्स होते हैं ना, उसके जैसा काम करता है। बुक लंग्स किस में पाया जाता है, कोई एग्जांपल बेटा बताएगा बच्चा,
बुक लंग्स, कोई बच्चा? बुक लंग्स किसमें पाया जाता है? बुक लंग्स किसमें पाया जाता है? कोई एग्जांपल बुक लंग्स का? बहुत जल्दी बेटा आंसर करिए। गुड बेटा, शंकर कुमार ने आंसर दिया पहला आंसर। गुड गुड बेटा, दिव्या का भी आंसर आ गया, बहुत अच्छा। आगे रेस्पिरेशन के बाद बेटा इसकी बात करते हैं सर्कुलेशन की, या सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेशन बेटा ये ओपन टाइप होगा या क्लोज टाइप? चलो जल्दी बोलो, ओपन टाइप या क्लोज टाइप? सर्कुलेशन कैसा होगा, ओपन या क्लोज? ओपन या क्लोज? गुड बेटा, इसमें सुजीत का आंसर आ गया है क्लोज टाइप का। बेटा ये हमेशा याद रखना, इसमें कौन सा टाइप होगा? ओपन टाइप। नम्रता का आंसर बेटा सही आया, कौन सा टाइप होगा? ओपन टाइप का। इसमें जो सर्कुलेशन होता है वो किस टाइप का होगा? ओपन टाइप। किसी भी मोलस्क में बेटा एक ही एक्सेप्शन केस है, सीपिया वाला, बाकी सब में क्या हो जाएगा? हाँ, एक्सेप्ट बेटा सिफेलोपोड्स। सही है, ये सब बताया जा चुका है। ब्लड, इसके ब्लड को बेटा क्या बोलते हो? इसके ब्लड को आप क्या बोलते हो? बोलना बेटा, हीमो लिम्फ। और ये कंटेन करेगा एक पिगमेंट, कंटेन कौन सा पिगमेंट बेटा? हीमोशाइनिन। इस पिगमेंट का नाम है हीमोशाइनिन, जो कि किस कलर का होगा? ब्लू कलर, ब्लू कलर पिगमेंट है। तो ऐसा पिगमेंट और कहीं पढ़ा था बेटा आपने? अच्छा जल्दी से बताओ, किसी मस्क्यूटो में, मस्क्यूटो के ब्लड का कलर क्या होता है? मच्छर के ब्लड का कलर क्या होता है? मच्छर के ब्लड का कलर क्या होता है? जल्दी बोलो, मस्क्यूटो के ब्लड का कलर क्या होता है? नम्रता का आंसर बड़ा बहुत अच्छा आया, कलर, कलरलेस, कलरलेस। गुड बेटा, कलरलेस क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। तो सर्कुलेशन में ब्लड हो गया, ये हो गया सर्कुलेशन, हो गया ओपन या क्लोज टाइप। क्लियर है ये? एक्सेप्ट वाला बेटा पीछे पढ़ाया जा चुका है। सर्कुलेशन के बाद आ गया आपका क्या? इस्क्रीशन। बेटा इस्क्रीशन में अब जल्दी से बता दो, एक तो बेटा आंसर आपके एनसीईआरटी के अनुसार क्या हो जाएगा? गिल्स। गिल्स हेल्प करेगा ना? इसके अलावा दो और बेटा इस्क्रीटी आर्गन का नाम मुझे चाहिए, जल्दी से बता दो, दो और इस्क्रीटी आर्गन का नाम, दो इस्क्रीटी आर्गन का नाम। गुड बेटा, आर्गन ऑफ बोजेनस, एक होता है आर्गन ऑफ बोजेनस और दूसरा होता है कीबर या केबर्स आर्गन। बेटा ये दो होते हैं, ठीक है, इस्क्रीशन हो गया। हाँ गुड बेटा, केबर्स ग्लैंड है या केबर आर्गन हो जाएगा। इस्क्रीशन के बाद बेटा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बेटा ये सिंपल होगा, केवल और केवल बेटा गैंग्लिया के बने होते हैं। सेंसरी आर्गन, सेंसरी आर्गन में बेटा अभी आपने देखा आईज हो जाएगा, टेंटकल्स हो जाएंगे एंड बेटा ओस्फ्रे डियम, ये बेटा मुझे आपसे चाहिए ओस्फ्रेडियम। कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? ओस्फ्रेडियम, ओस्फ्रेडियम कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? ओस्फ्रेडियम कौन बच्चा एक्सप्लेन करेगा? जल्दी बेटा एक्सप्लेन करो, ये क्या होता है बेटा ओस्फ्रेडियम? टेंटिकल बेटा ये मूवमेंट करता है, हेल्प करता है लोकोमोशन में, टेंटिकल के द्वारा बेटा ये हेल्प करता है लोकोमोशन में। और ये इस पे रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिससे फूड को सर्च करने में काम आता है, इसलिए ये क्या होता है? सेंसरी में आता है। ठीक, सुजीत ने आंसर क्वेश्चन किया, सुजीत बेटा क्लियर हो गया। हाँ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, कीमो रिसेप्टर। गुड बेटा, दर्शन ने आंसर दिया, ये कीमो रिसेप्टर होता है, कीमो रिसेप्टर। ये बेटा डिटेक्ट द केमिकल नेचर ऑफ फूड,
केमिकल नेचर ऑफ फूड, तो फूड के बेटा ये केमिकल नेचर को डिटेक्ट करता है, फूड के केमिकल नेचर को डिटेक्ट करता है, राइट बेटा। तो जैसे किस पीएच का फूड होगा या कैसा होगा केमिकल, उसको डिटेक्ट करेगा ये एस्पिरेडियम, राइट बेटा, क्लियर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसके बाद है इसमें रिप्रोडक्शन। जनरली बेटा ये क्या होते हैं, बाई सेक्सुअल की यूनि सेक्सुअल, तो आंसर बेटा आपका जाएगा यूनि सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन बेटा कैसा होगा, मोस्टली बेटा ये इंटरनल होता है, एक्सटर्नल बेटा बहुत कम होते हैं, मोस्टली बेटा ये इंटरनल होता है। डेवलपमेंट बेटा इधर लिख दूं क्या, डेवलपमेंट, तो आप बताओगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। अगर ये इनडायरेक्ट है तो किसी लार्वा का नाम बेटा बताओ, अगर इनडायरेक्ट है तो लार्वा, पहला किसी लार्वा का नाम बताओ बेटा, कौन बच्चा बताएगा किसी लार्वा का नाम, किसी लार्वा का नाम। गुड बेटा, शंकर कुमार ने दिया, पहला लार्वा है बेटा, यहां पर हम लोग कह सकते हैं ग्लो चीडियम या बेटा वेलीजर, और एक होता है ट्रोको फोर लार्वा। बेटा ऐसा लार्वा का नाम सुना है कहीं पर, ट्रोको फोर लार्वा कहीं सुना है, ट्रोकोफोल लार्वा का नाम बताओ, और कहाँ पढ़ा है बेटा ट्रोकोफोल लार्वा। हाँ गुड बेटा, आवाज अच्छा आंसर आ रहा है श्रद्धा, बहुत अच्छा बेटा। चलो जल्दी बोलो बोलो बेटा बोलो, ट्रोकोफोल लार्वा और कहीं पढ़ा है आपने, ट्रोकोफोल लार्वा और कहाँ पाया जाता है, जल्दी से एग्जाम एक्सप्लेन करो, ट्रोकोफोल लार्वा और कहाँ पाया जाता है बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। कल की ही क्लास में बेटा पढ़े हो, भूल गए हो। चलिए, ट्रोकोफोल लार्वा बेटा पाया जाता है नेरिस में, किसमें पाया जाता है, नेरिस में, नेरिस में ट्रोकोफोल लार्वा बेटा पाया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि एनीलिडा, एनीलिडा से ही मोलस्क का डेवलपमेंट होता है। ठीक, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा क्या होता है, एनीलिडा से ही, एनीलिडा से ही मोलस्क का डेवलपमेंट होता है, राइट। चलो अब तो क्लियर है, इतना बेटा हो चुका, बस आप एग्जाम्पल देख लो, और क्योंकि वही नहीं याद होता है, एग्जाम्पल बेटा देखो। चलो बेटा इसको मिटा दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। चलो बड़ा एग्जाम्पल पढ़ाया जाए, ठीक, एग्जाम्पल बड़ा बताया जाए। चलो देखो इधर, इसमें बड़ा कुल 7-8 एग्जाम्पल हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे इसके एग्जाम्पल को याद रखना है, यही आपको विशेषता है इसकी। तो देखो ये अपना एक कोटेशन आप याद कर लो, सो मच डैंड्रफ ऑन स्कल्प, सो मच डैंड्रफ ऑन बेटा किस पर, स्कल्प। अब एक एक को बड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको ध्यान से बड़ा सुनिएगा, ये अपने आप याद हो जाएगा बेटा, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैंने बनाया है, ये आप ये एग्जाम्पल जानते हैं बेटा, ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको, क्योंकि डैंड्रफ हर बच्चे के उसमें रहता ही रहता है ना। गुड गुड बेटा, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, लिखा जाए। गुड बेटा, यहां पर हो गया ये स्नेल, मच का मतलब बेटा मोलस्क का एग्जाम्पल है ये। अब देखो डैंड्रफ, डी से बेटा कौन सा हो गया, जल्दी बोलो, अभी किसी बच्चे ने लिख रखा था डेंटेलियम, बेटा ये क्या हो जाएगा, डेंटेलियम,
गुड बेटा, बहुत अच्छा। अन ऑक्टोपस, ये क्या हो जाएगा? एस से। ये बेटा बताओ, एस से हो जाएगा सीपिया, कीटो, प्लेउरा, बेटा एप्लीसिया, लोलीगो, एंड बेटा पी से पिंग टाडा। पिंग टाडा बेटा, नाम सुना है ये सब? हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा विष्णु, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है बेटा। चलो ठीक है, ये एग्जाम्पल बेटा मेरे साथ एक बार बोल दो। आज पूरी तरह से बेटा एग्जाम्पल रट के जाना है, यहाँ से रटना है बेटा, भूलना नहीं है अब ये। चलो ध्यान से सुनो। सो मच, सो मच का मतलब बेटा स्नेल, ठीक। स्नेल मोलस्क की कैटेगरी का है बेटा। ये जो एग्जाम्पल है डेंड्रफ, डेंटेलियम, डेंटेलियम का अदर नेम क्या बेटा? आ रहा सर? अच्छा आ रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। हाँ गुड बेटा, जल्दी से बताओ। आवाज़ स्लो शर, हाँ ठीक है बेटा, थोड़ी तबीयत कम सही है बट आवाज़ जाएगी आपके पास, परेशान मत होइए आप, आवाज़ जाएगी, परेशान मत होइए। डेंटेलियम बेटा, इसका एक नाम है टस्क सेल। डेंटम, डेंटेलियम बेटा, डेंटिस्ट किससे रिलेटेड है? डेंटिस्ट बेटा किसके रिलेटेड है? टस्क, टस्क मतलब क्या होता है? टस्क मतलब एलिफेंट, हाथी बेटा देखा है ना, उसमें एक दांत बेटा बाहर निकला होता है। जो हाथी के बेटा दांत निकले होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टस्क, इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं एलिफेंट टस्क सेल। गुड बेटा, बहुत अच्छा। ऑक्टोपस का क्या नाम है? ऑक्टोपस का कॉमन नेम बेटा अभी आपने बताया, ये डेविल फिश। हिंदी में बेटा बोलते हैं बेताल, विक्रम बेताल, नाम सुने हो कि नहीं? बेताल, बेताल ना, बचपन में कहानी पढ़े होगे बेताल, तो ये विक्रम बेताल वाला था। देखिए शिपिया, शिपिया को बेटा हम लोग बोलते हैं कटल फिश। लोलीगो, जल्दी से बेटा, लोलीगो का कॉमन नेम, लोलीगो का कॉमन नेम कौन बच्चा बताएगा? चलो एस से नाम है, जल्दी बोलो। लोलीगो का कॉमन नेम, अरे आप बोलो बेटा, तभी जब तक आप बोलोगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। लोलीगो का कॉमन नेम, गुड बेटा, बहुत अच्छा। स्क्विड, बहुत अच्छा बेटा स्क्विड। एप्लीशिया, एप्लीशिया का कॉमन नेम, हाँ हाँ बेटा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है बेटा, एप्लीशिया। चलो जल्दी से, कौन सा हेयर? सी हेयर, गुड बेटा, आंसर आ गया सी हेयर, समुद्री खराहा। कीटो प्लूरा का कॉमन नेम, हाँ गुड गुड, बहुत अच्छा बेटा आंसर आ रहा है। चलो बहुत अच्छा, ऐसे बेटा एंगेज रहो, जल्दी से। काइटन, गुड बेटा, सुजीत ने इसका आंसर दिया काइटन। काइटन का मतलब बेटा एक कवर होता है, इसको क्या बोलते हैं? पिंगटाडा को बेटा बोलते हैं पर्ल ओस्टर। पर्ल ओस्टर का मतलब होता है जिससे क्या निकाला जाएगा? मोती, जिससे बेटा क्या निकाला जाएगा? मोती, ठीक ना। चलो अब आप जल्दी से एक बार बेटा फिर से जुड़ करके मुझे आप बता दो। ये क्लियर हुआ? सो मच डेंड्रफ ऑन स्कल्प, ठीक है बेटा। यहाँ से पर्ल ओस्टर से बेटा, हाँ ठीक है। अब आप ये मुझे बताओ, यहाँ पर स्नेल हो गया, डेंटेलियम, डेंटेलियम को और क्या कहेंगे? टस्क। बेटा मुझे उम्मीद है कि याद हो जाना चाहिए, बताओ ये जल्दी याद रहेगा कि नहीं? सारे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? चलो बेटा एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। ये कैसे याद रखिएगा? ये आपके पास ये कॉमन एग्जाम्पल हो गया, याद रहेगा ना? ऐसे या नो जल्दी से करके लिख के भेजो।
चलो गुड बेटा, बहुत अच्छा। इसको रिवाइज करो, दो तीन बार रिवाइज करो, ये क्लियर हो जाएगा। तो मैं आगे बढ़ूँ अब। ये फाइलम बेटा हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। कौन सा फाइलम कंप्लीट हो चुका है? गुड बेटा, बहुत अच्छा। ये फाइलम कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल बेटा बस याद रखना, फाइलम याद रहे ना याद रहे कोई बहुत दिक्कत नहीं है, बस एग्जाम्पल नहीं भूलना चाहिए बेटा। एक ऑक्टोपस की साइज से, ऑक्टोपस के आर्म से बहुत मतलब है नहीं सुजीत, ठीक है ना? आर्म बेटा 8 होते हैं, साइज बेटा काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है ना? तो जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ, परेशान मत होइए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। आगे बढ़ा जाए, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा पढ़ाया जाए। हाँ क्या था बेटा? ओपीडी, पीसीएस प्लस, हाँ ठीक है बेटा, एलसीआर इन आर्डर में याद कर सकते हैं। बहुत अच्छा बेटा दर्शन, चलो देख लो बेटा बच्चे, अपने से भी देख सकते हो, तो आर्डर में भी ऐसे भी याद हो सकता है, जो भी जैसे भी आप याद करो, क्वेश्चन बेटा गलत नहीं होना चाहिए बस ये, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ा जाए, फाइलम इकाइनोडर्मेटा पढ़ा जाए कि अभी? चलो अच्छा छोड़ो, पहले मुझे इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, किसी पॉइंट पे डाउट तो नहीं है? हाँ नियोपिलाइना बेटा इसी फाइलम में आता है, मोलस्का। हाँ सही है बेटा शंकर कुमार, ये इसी फाइलम में आता है नियोपिलाइना। कहीं बेटा लिखा हूँ, और जो ये होता है नियोपिलाइना, ये कनेक्टिंग लिंक होता है। किसके बीच का कनेक्टिंग होता है? आर्थोपोडा और सॉरी एनीलिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग होता है, जिसको आप अगर याद कर सकते हैं तो बेटा एक वर्ड याद रखिएगा, अनमोल। अनमोल का मतलब क्या होता है? एनलिडा हो गया, जो नियोपिलाइना है मोलस्का और एनलिडा के बीच का कनेक्टिंग होता है, ठीक। हाँ विनय, सिफेलोपोड में कौन कौन आता है? सिफेलोपोड में बेटा बहुत ढेर से एग्जाम्पल हैं। एक तो सीपिया याद कर लो, सीपिया याद कर लो, कटल फिश याद कर लो, राइट, सीपिया याद कर लो जिसको हम लोग कटल फिश बोलते हैं, ऑक्टोपस याद कर लो, ठीक है, लोलीगो याद कर लो। ढेर का आने का बेटा बहुत ढेर से आते हैं, बट आपके यहाँ अब क्योंकि टोटल 8 क्लास में इसको डिवाइड किया गया था, 8 क्लास को बेटा हटा करके कुछ क्लासेस को हटा दिया गया है। ये बेटा किसका क्वेश्चन था? विनय का। विनय बेटा इसमें बहुत ढेर से आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा क्लास है ये सिफेलोपोड्स। सिफेलोपोड्स में मैं ऐसे एग्जाम्पल ओरली बता दे रहा हूँ। एक एग्जाम्पल बेटा क्या हो जाएगा इसका? एक तो आपने सीपिया लिखा, दूसरा बेटा ऑक्टोपस लिखेंगे, लोलिगो लिखेंगे, स्क्विड जिसको कहते हैं, ये बेटा ये सब किससे बिलोंग करेंगे? ये सब के सब बिलोंग करेंगे सिफेलोपोड से, कोई डाउट तो नहीं है बेटा? रावण राज का क्वेश्चन है बेटा, पेरीपेटस, पेरीपेटस बेटा इससे नहीं बिलोंग करेगा। पेरीपेटस बेटा ये मोलस्का से सॉरी एनलिडा और आर्थोपोडा के बीच का कनेक्टिंग होता है। पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके किसके बीच का? पेरीपेटस है कनेक्टिंग आर्थोपोडा एंड बेटा एनलिडा के बीच का कनेक्टिंग होता है। और किसी बच्चे को? अच्छा एकता का क्वेश्चन क्या था बेटा? ओमेटोफोर। बेटा देखो जिस पर एक्चुअली में इसकी जो आईज होती है ना, इसकी जो आईज होती है, जैसे ये बल्ज पार्ट है, मान लीजिए ये बेटा ऐसे आईज लगी हुई है, राइट, ये जो बल्ज पार्ट होता है इसकी स्टॉक जो होती है इसको ओमेटोफोर बोलते हैं। इसी के कारण बेटा ये दूर तक ये देख सकता है। जैसे हम लोगों में, हम लोग बेटा क्या होते हैं, खड़े होते हैं तो दूर तक देख सकते हैं। तो पहले जब हम लोग बेटा बाईपेडल नहीं थे, किसका क्वेश्चन था? एकता का। बेटा देखता ध्यान से सुनना, जब हम लोग बाईपेडल नहीं थे, जब हम लोग क्वाड्रीपेडल थे, तो बहुत दूर तक, जब हम बेटा झुक करके चलते थे, चारों मतलब दोनों पैर और दोनों हाथ से चलते थे, तो हम लोग बहुत दूर तक नहीं देख पाते थे, ठीक। जब हम खड़े होकर के चलने लगे, बाईपेडल हो गए, तो बेटा अब हम इससे आँख से बहुत दूर तक देखने लगे। ऐसे ही इसमें भी क्या होता है कि स्टॉक लगा होता है, ये स्टॉक से बेटा क्या होता है, दूर तक देख लेता है। तो ये इसकी जो आईज होती है ना, ये हम लोगों के मतलब वर्टिब्रेट के या ह्यूमन के एनालॉगस होती है। तो आईज ऑफ द ऑक्टोपस इज एनालॉगस टू ह्यूमन। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया एकता, बेटा क्वेश्चन समझ में आया?
या इसको आप नोट भी कर लो, चाहे इसको आप नोट कर लो कि ऑक्टोपस ऑफ द आइज, सॉरी आइज ऑफ द ऑक्टोपस एंड कौन सा ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब होता है वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट की आइज क्या होती है, वर्टिब्रेट की जो आइज होती है वो एनालॉगस होती है। चलो बेटा एकता क्लियर हो चुका है बेटा, ओमेटो फोर, और किसी बच्चे को कोई डाउट, और किसी बच्चे को कोई डाउट जल्दी से बेटा मैसेज करो, और किसी बच्चे को कोई डाउट। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा, आगे फाइलम पढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट फाइलम को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। चलो बेटा ठीक है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। चलो फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जी बेटा चलो इकाइनस, यहां पर इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो इकाइनस बेटा, यहां पर एक टर्म है इकाइनस, इकाइनस मतलब होता है स्पाइनी, डर्म, डर्म मतलब होता है बेटा स्किन, इसको बोलते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, ठीक है, इसको बेटा बोलते हैं स्पाइनी स्किन्ड एनिमल, किसको कहेंगे इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा बेटा की एक और खास बात है, इसकी अगर मैं एक छोटा सा प्यारा सा वर्ड बेटा आपसे पूछूं, ये पाया कहाँ जाएगा, इसका हैबिटेट कौन, बच्चा मैसेज करेगा बेटा हैबिटेट, हैबिटेट जल्दी बोलो बेटा हैबिटेट, स्पाइनी स्किन एनिमल, बहुत अच्छा बेटा काव्या का आंसर आ रहा है। देखो ये एक्सक्लूसिवली मैरीन फॉर्म होता है, मतलब बेटा इसका मैंने आपको चार पांच एग्जांपल बेटा लिख करके दिया है, एक्सक्लूसिवली मैरीन बेटा, मैरीन नहीं, हाँ दिव्या ने आंसर बेटा ठीक दिया बेटा, ये एक्सक्लूसिवली मैरीन का मीनिंग क्या है, कौन से चार फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मैरीन है, जल्दी बोलो कौन से चार फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मैरीन है, कौन से चार फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मैरीन है, जल्दी करो बेटा कौन से चार फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मैरीन है। अच्छा एक तो हो गया टीनोफोरा, और बोलो, सब बेटा लिख के दिया हूं, पहली क्लास में सब लिखा हूं, भूल जाते हो ना, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकाडेटा, टीनोफोरा एंड बेटा प्रोटोकार्डेटा, पोरीफेरा नहीं बेटा, पोरीफेरा कभी नहीं होगा सुजीत, पोरीफेरा कभी नहीं होगा, हाँ ठीक है गुड गुड बेटा, एकता, एक और होता है बेटा प्रोटोकार्डेटा, कुल चार फाइलम आप कह सकते हो या एक सब फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। चलो मैरीन तो हो गया, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये हैबिटेट तो हो ही चुका है, हैबिटेट के बाद, हाँ गुड गुड बेटा बहुत अच्छा, हाँ अब हैबिटेट के बाद इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा, ये अब आगे बोलते जाइए आप, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा इसमें बेटा, बार बार क्या लिखेंगे, ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी सिमेट्री बेटा, सबसे ज़्यादा अगर कोई सवाल इस फाइलम में पूछा जाता है तो वो है सिमेट्री, अगर इस फाइलम में कोई सवाल पूछा जाता है तो वो क्या है बेटा सिमेट्री, हाँ गुड बेटा सिमेट्री, लार्वा के कंडीशन में कैसा सिमेट्री होगा, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, लार्वा में कैसी सिमेट्री होगी, लार्वा में, हाँ ठीक है लार्वा में बेटा बाईलेटरल होता है, और एडल्ट के केस में,
एडल्ट के केस में बेटा रेडियल हो जाएगा या पेंटा रेडियल हो जाएगा, बताया था बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सिमेट्री का, सिमेट्री का अगर कोई बेटा क्वेश्चन है तो यही है वो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ बेटा बिकॉज बायलैटरल, हाँ ऐसे भी बोल सकते हो। हाँ काव्या बेटा ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ सिमेट्री हो गया, सिमेट्री के बाद बेटा अब ये आप बता दो मुझे तो जाने, हम जानते हैं बेटा आप नहीं बता पाएंगे। चलो चलो ये चैलेंज स्वीकार करो। सिलोम, सिलोम, अरे वाह बहुत अच्छा बेटा, रावण राज का, बहुत अच्छा। इनके लिए बेटा क्लैपिंग, ताली बनती है बेटा। एंटीरो सिलोम, एंटीरो सिलोम बेटा, ये ट्रू सिलोम होता है ना, जैसे उसमें साइजो सिलोम था वैसे इसमें ड्यूट्रो सिलो, इसमें एंटीरो सिलोम होता है। जर्म लेयर, ये तो जानदार क्वेश्चन है ही बेटा। जर्म लेयर कैसा होगा, डिप्लोब्लास्टिक के ट्रिप्लो, ट्रिप्लो होगा, लेकिन ये बेटा बॉडी प्लान इसका कैसा होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब ना, ट्यूब विद इन ट्यूब। लेकिन मेरा क्वेश्चन बेटा ये था, ये प्रोटोस्टोमिक होता है कि ड्यूट्रोस्टोमिक, कौन बच्चा बोलेगा, प्रोटोस्टोमिक या ड्यूट्रोस्टोमिक बेटा, प्रोटोस्टोमिक या ड्यूट्रोस्टोमिक, जल्दी करो बेटा। गुड बेटा, बहुत अच्छा आया शंकर कुमार का, ये ड्यूट्रोस्टोमिक होता है, ड्यूट्रोस्टोमिक। ये तो जनरल करेक्टर बेटा हो चुके हैं ना। अब इसके बाद इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात आप करते हो बेटा, अभी फिगर से इसको समझाता हूँ। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तो कंप्लीट ही होगा, कंप्लीट होगा, लेकिन अगर बेटा कंप्लीट है तो माउथ कहाँ पर है या एनस कहाँ पर है। हाँ बेटा श्रद्धा अभी रुक जाओ बेटा, श्रद्धा थोड़ी देर बेटा रुक जाओ, बताता हूँ कि ट्यूब फीड कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, अभी बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। श्रद्धा थोड़ी देर बेटा रुको, बताता हूँ। स्टारफिश, गुड बेटा, नम्रता, लोअर माउथ, लोअर साइड पर, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। ये ध्यान से सुनो, हम लोग ये जानते हैं कि ये बेटा स्टारफिश पांच भुजाओं वाला होता है, स्टारफिश बेटा पांच भुजाओं वाला होता है, अपने को ये क्या मान सकते हैं आप, स्टारफिश कह सकते हैं ना। तो जब बेटा ये ऐसे होगा तो ये इसका डार्सल सरफेस होगा ना, ये सरफेस बेटा वेंट्रल होगा, तो ये फूड को बेटा ऐसे पकड़ेगा, तो ये फूड को ऐसे पकड़ेगा, उंगली टेढ़ी करके बेटा नहीं पकड़ेगा ना, इधर की ओर पकड़ेगा। तो इसका माउथ कहाँ होगा, यहाँ पर, तो इसका जो माउथ होता है बेटा वो किस डायरेक्शन में होता है, वेंट्रल साइड में। तो एनस कहाँ होता है, डार्सल साइड में, तो इसीलिए बेटा माउथ को जो वेंट्रल साइड में है, ये देख रहे हैं ना, वेंट्रल साइड में माउथ है, एनस बेटा कहाँ पर है, डार्सल साइड पर। क्लियर हो चुका है बेटा, ठीक है। ये आर्म्स होती हैं, इस पर बेटा देखो छोटे छोटे हेयर्स लगे हैं, इस पर छोटे छोटे हेयर्स लगे हैं, इस हेयर्स को बेटा बोलते हैं स्पाइंस, या जिसको हम लोग कहते हैं पेडिसिलेरी बेटा, क्या बोलेंगे, पेडिसिलेरी, जो इसको साफ सफाई रखेगा, क्या रखेगा बेटा। अभी अंकुश क्या था क्वेश्चन बेटा आपका, एकता स्टारफिश में लोकोमोशन ट्यूब फीड करवा, हाँ बेटा अभी बता रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ बेटा, पहले आप ये तो क्लियर हो जाओ, डाइजेशन पहले क्लियर कर लो कि माउथ कहाँ पर है। और ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो माउथ होता है ऑन कौन सा सरफेस बेटा, वेंट्रल साइड, और एनस बेटा कहाँ पर होगा, ऑन डार्सल साइड। ये लाइन बेटा आपको भूलनी नहीं चाहिए और भूलना भी नहीं है, क्योंकि बेटा ऐसा अरेंजमेंट अभी हम लोग एक जगह और पढ़ेंगे, ठीक ना, ये एक अरेंजमेंट ऐसा और पढ़ेंगे हम लोग एक जगह बेटा और है। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा हो गया, अब रिस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन बेटा है नहीं, यहाँ से अगर रिस्पिरेशन के लिए बेटा है भी तो डर्मल ब्रैंकी वगैरह है, ये हो जाएगा। स्क्रीशन के लिए स्क्रीटी ऑर्गन बेटा है नहीं,
यहाँ पर एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक बड़ा एग्जांपल पढ़ने आप जा रहे हो, जल्दी से बोल दो, उसको बोलते हो वाटर वैस्कुलर सिस्टम। बेटा वाटर कैनाल सिस्टम है कि वैस्कुलर सिस्टम है बताओ? वाटर कैनाल सिस्टम किस में पाया जाएगा, कौन बच्चा बताएगा? वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम का एग्जांपल। गुड बेटा, पोरी फेरा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम का एग्जांपल हो जाएगा, जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है ये एग्जांपल होगा इकाइनोडर्मेटा का, राइट? बेटा इसको एक्सप्लेन किया जाए, इसको एक्सप्लेन किया जाए। चलो देखो, एक छोटे से बेटा याद रखना कि जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है ये एक टाइप से बेटा ये पेंटा मेरस होता है। पेंटा मेरस का मतलब पांच भुजाओं वाला बेटा होगा ये। ऐसे इसमें केनाल्स बेटा निकली होती हैं ये ऐसे, ठीक है बेटा? फिगर के अनुसार जो मुझे आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है, बहुत ज़्यादा तो बेटा इसमें ध्यान से सुनिएगा, क्या समझना है आपको ये देख लो। इसमें बेटा जहाँ से ये पानी आएगा, ये देखिए, ये माउथ के थ्रू बेटा पानी आएगा, तो इसको बेटा जिसके थ्रू पानी आता है उसको बोलते हैं, मैड्रीपोराइट। क्या बोलते हैं बेटा? मैड्रीपोराइट। क्या बोलेंगे? मैड्रीपोराइट। ये है मैड्रीपोराइट। ये क्या होता है बेटा मैड्रीपोराइट? थोड़े से स्टेटमेंट को ध्यान से सुन लो। मैड्रीपोराइट का मतलब बेटा नथिंग। मैड्रीपोराइट का मतलब होता है चलनी, छन्नी। छन्नी जानते हो ना, जिससे फिल्टर किया जाए। तो इसका मतलब बेटा एक क्वेश्चन और आप अच्छे से जान लो भैया, इकाइनोडर्मेट्स फिल्टर फीडर होते हैं। फिल्टर फीडर का मीनिंग बेटा समझ पा रहे हो? ये कौन बच्चा बताएगा? फिल्टर फीडर, ये फिल्टर फीडर होते हैं। गुड बेटा, काव्या सिंह ने आंसर दिया शिव लाइक, चलनी जैसा। हाँ ठीक है, तो ये सारे पार्ट बेटा फूड को ये लेके नहीं आ पाएगा, ये क्या करेगा यहाँ पर बेटा फिल्टर करेगा, फिल्टर करने के बाद लेके आएगा। और इसमें ये जो केनाल होती है ना, इस केनाल को बेटा हम लोग मैड्रीपोराइट केनाल बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं स्टोन केनाल। इसको बेटा बोलते हैं स्टोन केनाल। ये यहाँ से आएगा, ये रेडियल केनाल हो जाएगा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं रिंग केनाल। देखो क्वेश्चन क्या है मैं उसको बताना चाह रहा हूँ, रिंग केनाल, और ये बेटा लेटरल केनाल है। इस पर लगा हुआ बेटा अभी आप जो पूछ रहे थे वो पाया जाएगा। क्या पूछ रहे थे आप यहाँ पर? ट्यूब फिट। इस पर लगा हुआ यहाँ पर बेटा पाया जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये बेटा पाया जाएगा ट्यूब फिट। ये जो ट्यूब फिट होता है ना, ये इसके दो पार्ट होते हैं या तीन पार्ट होते हैं। ये जो फूला हुआ पार्ट है एम्पुला है, पोडियम है, और ये ओपनिंग है जिसको सकर बोलते हैं, राइट बेटा? ये एम्पुला हो गया जो फूला हुआ पार्ट है, ये पोडियम का पार्ट है, और ये सकर का काम करता है, राइट बेटा? ये चलो अच्छा, अब ये करेगा क्या फूड बेटा? यहाँ से ये आएगा, तो जब ये देखो हमारा जो ट्यूब फीड होता है वो क्या क्या काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू बेटा एनसीईआरटी, आपके बुक में तीन चार फंक्शन बेटा ये लिखे गए हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम के। जल्दी से बेटा मुझे आप बता दो फंक्शन ऑफ द वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर, बहुत अच्छा बेटा, ये लोकोमोशन करेगा, रिस्पिरेशन करेगा, कैप्चरिंग ऑफ द फूड करेगा। हाँ ठीक है, और बेटा कोई एक फंक्शन, कोई और फंक्शन? तो यहाँ पर ये फंक्शन करेगा, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, इसको भूलना नहीं है। ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा, दूसरा बेटा ये रिस्पिरेशन में हेल्प करेगा, तीसरा बेटा ये फूड कैप्चरिंग में करेगा। हाँ फूड कैप्चरिंग में करेगा, और तीसरा बेटा ये कैप्चर तो करेगा, चौथा बेटा ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भी करेगा, मतलब सर्कुलेशन भी करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड।
तो ये जो एनसीईआरटी की 3-4 लाइन है बेटा, ये आपको याद रखना है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है बेटा कि देखो, ये रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी हेल्प करेगा, दूसरा बेटा ये मूवमेंट में भी हेल्प कराएगा, तीसरा ये फूड कैप्चरिंग, बेटा ये फूड आएगा तो उसे ये कैप्चर करेगा, उसे डाइजेस्ट करेगा या ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड में भी हेल्प करेगा। तो ये चार फंक्शन आपको भूलना ही नहीं है। कौन से चार फंक्शन बेटा नहीं भूलने हैं? ये किसके? वाटर वेस्कुलर सिस्टम के, ठीक है। अब यहां से बेटा एक और मजेदार बात देखो, इनका जो एनसीईआरटी की बेटा आपकी एनसीईआरटी की पहली लाइन है वो बहुत जबरदस्त है। इसमें कहा गया कि इसमें एक बेटा कैलकेरियस ऑसिकल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कैलकेरियस ऑसिकल पाई जाती है बेटा। लिखा है किसी को, देखिए कैलकेरियस, इसका बेटा जो एंडोस्केलेटन होता है ना, ये एंडोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस कैलकेरियस ऑसिकल होती है। ऑसिकल वो भी बेटा क्या? कैलकेरियस। ये बेटा फर्स्ट टाइम यहीं से डेवलप हो रहा है बेटा, ये फर्स्ट टाइम यहीं से डेवलप हो रहा है। आप एनसीईआरटी की जब पहली लाइन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि कैलकेरियस ऑसिकल। ये ऑसिकल बेटा क्या होती है? ऑसिकल मीन्स क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा? चलो जल्दी से मैसेज करो, ऑसिकल। हाँ ठीक है बेटा, टिनी बोन, छोटे छोटे बोन का बना होता है जो कि कैलकेरियस होता है। इसमें ये हो गया। तो सर्कुलेशन बेटा यहाँ पर किस, कौन हेल्प करेगा सर्कुलेशन में? वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करेगा। नर्वस सिस्टम की बात करो तो नर्वस सिस्टम में बेटा क्या ब्रेन पाया जाएगा? नहीं, देखो यहाँ ध्यान से सुनो, जनरली बेटा इसमें कोई भी स्पेशल टाइप का आर्गन्स नहीं पाए जाएंगे। रेस्पिरेटरी आर्गन जनरली है नहीं कोई, है तो कौन सा है? ट्यूब फिट, जो कि बेटा लोकोमोशन का काम करता है। सर्कुलेशन के लिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम हो गया। इस्क्रीटरी आर्गन बेटा है नहीं, क्योंकि ये पानी में पाया जाएगा इसलिए अमोनिया इसका इस्क्रीटरी आर्गन है, सॉरी इस्क्रीटरी प्रोडक्ट है। बट याद रखना इस्क्रीटरी आर्गन नहीं है। नर्वस सिस्टम बहुत ही प्रिमेटिव टाइप का है, ब्रेन है नहीं यहाँ पर, ना हार्ट है ना ब्रेन है, ये बेटा आपको याद रखने हैं, ठीक। हार्ट भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है। अब बात करेंगे क्या? अब हम लोग बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में इसको हटा दिया जाए बेटा, ये रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में, हाँ गुड बेटा, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ, बेटा रावण राज ने अच्छा क्वेश्चन राइज किया। इसमें बेटा रेडियल नर्व कार्ड पाई जाती है, हाँ ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा बेटा, मिस कर रहा था। इसको सुनो ध्यान से, इसका जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में बेटा ब्रेन तो नहीं होता है, लेकिन नर्व कार्ड कैसा होता है? रेडियल होता है। तो बेटा आप देखो, नर्व कार्ड का मैं अब पूरी बात पहुंचा चुका हूँ अपने आप तक। पहले आया लॉन्गिट्यूडिनल, फिर आया बेटा वेंट्रल, अब आया रेडियल नर्व कार्ड। इसमें बेटा कौन सा नर्व कार्ड होगा? रेडियल, ठीक है। अब इसके बाद बेटा डार्सल आएगा, ठीक है। काव्या का भी आंसर बेटा क्या था? सिंपल स्टेटोसिस, हाँ बैलेंसिंग आर्गन बेटा पाया जाएगा। आगे रिप्रोडक्शन ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल की बाई सेक्सुअल? तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा? बाई सॉरी यूनि सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। कौन बच्चा बताएगा? फर्टिलाइजेशन, जल्दी से बेटा फर्टिलाइजेशन बता दो। हाँ ठीक है ठीक है, गुड 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 बेटा, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन जल्दी से बता दो, बस आगे बढ़े। गुड बेटा, एक्सटर्नल, बहुत अच्छा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेटा इसमें कैसा हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा और क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस और एक्सटर्नल, राइट ठीक है। डेवलपमेंट ऑलवेज क्या बेटा? ऑलवेज ऑलवेज इनडायरेक्ट, गुड बेटा, बहुत अच्छा, फारूक की शेफ ने आंसर दिया। ऑलवेज इनडायरेक्ट मतलब बेटा लार्वल स्टेज पाया ही जाएगा, लार्वल स्टेज पाया ही जाएगा, गुड बेटा बहुत अच्छा, लार्वल स्टेज पाया ही जाएगा चाहे जो भी हो, ऑलवेज बेटा क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा, गुड। अब बेटा आप जल्दी से इस फाइलम का, ये देखो बहुत छोटा फाइलम था, एग्जाम्पल आप बता दो मुझे बेटा जल्दी से, मैं आगे बढ़ जाऊँ।
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप इसको बेटा ऐसे याद रखो, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी आती है क्या एग्जाम्पल बेटा? हाँ गुड बेटा, रावण राज ने आंसर दे दिया है ए बी सी डी ई। ए का मतलब क्या हो गया? एस्टेरियोस। बी का मतलब क्या हो गया? ब्रिटल स्टार बेटा। सी कुकुमेरिया ना। डी डी एंटीडॉन। गुड बेटा, इसको अभी बताना पड़ेगा। ई से क्या हो जाएगा? इकाइनस बेटा। क्या हो जाएगा? इकाइनस। ई से क्या हो जाएगा? इकाइनस। चलो देखो एग्जांपल बेटा, एस्ट्रियास हो गया जिसको हम लोग, देखो ए बी सी डी ई हो गया, ये बेटा अब इसके अदर नेम को देख लिया जाए, कॉमन नेम को। एस्ट्रियास को क्या बोलेंगे? स्टारफिश, ठीक है। ब्रिटिल स्टार को क्या बोलेंगे बेटा? ओफ्यूरा, सही है ये। कुकुमरिया को क्या कहेंगे? सी कुकुम्बर। इसको क्या कहेंगे बेटा? सी लिली या सी फेदर ना। इकाइनस को बेटा सी अर्चिन, सी अर्चिन ये नाम था बेटा। आप देखो इसमें कुछ और बातें हैं जिसको आपको याद करने हैं। ये जैसे स्टारफिश है बेटा, स्टारफिश एस्ट्रियास, ब्रिटल स्टार है ओफ्यूरा, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, सी लिली एंटीडॉन है बेटा, सी लिली या सी फेदर बोलते हैं, सी अर्चिन। सी अर्चिन में एक बेटा खास बात पाई जाती है, अर्चिन की एक खास बात होती है। हाँ बेटा रावण राज ने आंसर किया। सी अर्चिन की एक खास बात बेटा होती है कि ये इसमें एक अरिस्टोटल लैंटर्न बेटा पाया जाता है। जैसे हम लोगों में एक टीथ होता है और मोलस्क बेटा रेडुला होता है, वैसे ही इसमें एक मास्टिकेटरी आर्गन होता है। इसको एक टाइप का बेटा मास्टिकेटरी आर्गन बोलते हैं, मास्टिकेटरी आर्गन बोलते हैं, जो कि इसी में पाया जाता है, राइट बेटा। चलो तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने बेटा कंप्लीट कर लिया क्या? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा बेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जल्दी से बेटा आप में से जिस बच्चे को डाउट हो बेटा वो पूछो, इस फाइलम में बेटा कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से आप पूछ लीजिए। हाँ एक बेटा, हाँ ठीक है, एविसरेशन भी होता है। हाँ ठीक है, रावण का क्वेश्चन था बेटा ये एविसरेशन। एविसरेशन का मतलब होता है कि ये अपने जो ये स्टमक का पार्ट है इसको बेटा मुंह से बाहर निकाल देता है, मुंह से बाहर निकाल देता है, इसी को बोलते हैं एविसरेशन, ठीक है। और कोई बेटा बच्चा? चलो जल्दी बताओ। हाँ मास्टिकेटरी आर्गन का नाम बेटा ये लिखा हुआ है एरिस्टोटल लैंटर्न, अरस्तु की लालटेन, हिंदी में बेटा उसको बोलते हैं अरस्तु की लालटेन, ठीक है एकता। ये मास्टिकेटरी आर्गन है, ठीक है। और बेटा जल्दी से बोलो, और किसी बच्चे को डाउट? कैलकेरियस सेल के बारे में वैशाली बेटा, कैलकेरियस सेल, सेल का मतलब होता है कवच, कवच का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। जैसे बेटा अंडा देखा है, एग, एग देखा है, एग जो होता है उस पर एक बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की कवच पड़ी होती है ना, वैसे ही मोलस्क की बॉडी पर एक सेल पाया जाता है। बेटा घोंघा देखा ही होगा वैशाली, बेटा घोंघा देखा है, घोंघा उसमें ये पाया जाएगा, ठीक ना। हाँ ठीक है, अच्छा क्लास कल 11 तारीख है, अभी तो बेटा क्लास के बारे में ऐसा कुछ आया नहीं है, ओपन तो नहीं हो रहा है पेपर, बेटा पढ़ते रहिए, अगर कल संभवतः दे देंगे।
अगर कुछ बेटा मैसेज आएगा तो आपको तुरंत यहाँ से मैसेज भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर ओपन करते हैं कोचिंग तो मैसेज मिल जाएगा आपको। अच्छा, मोलस्का में नर्व टाइप, हाँ बेटा नर्व टाइप जैसे सेरिब्रल गैंगलिया है, पीडल गैंगलिया है, ठीक है ना, जैसे सेरिब्रल गैंगलिया हो गया, पीडल गैंगलिया हो गया, ये सब हो जाए। सुजीत का क्वेश्चन है बेटा सर टेस्ट, टेस्ट बेटा सुजीत थोड़ी देर रुक जाइए, एक्चुअली में जो टेस्ट परफॉर्म कराते हैं बेटा वो उनकी तबीयत नहीं सही, अनिरुद्ध जी की। अनिरुद्ध जी जैसे ही ठीक हो जाएंगे आपका टेस्ट बेटा प्रॉपर होने लगेगा। रावण राज बेटा केमिस्ट्री की क्लास का क्या होगा, बेटा केमिस्ट्री वाले सर का नंबर आप ले लो, एक बार बेटा बात कर लो, मैंने एक बार बात किया था, आप भी कर लो, जैसा बताते हैं बेटा तो चलते हैं तो ठीक है। बेटा रावण देखो मैं बेटा क्या बोल रहा हूँ, आप केमिस्ट्री के क्लास के लिए सर से एक बार बात कर लो, मैं बेटा उनसे बात कर चुका हूँ, ठीक है ना, तो आप लोग भी एक बार बात कर लो, अगर रेडी होते हैं तो बेटा पढ़ा दें ऑनलाइन आ करके, नहीं तो कोई बात ही नहीं बेटा, अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। रावण बेटा मेरी बात समझ में आ गई केमिस्ट्री वाले सर की, हाँ ठीक है, आप बेटा देख लो बात कर लो, सर का नंबर लेकर के बात कर लो, अगर बात कर लोगे तो बेटा आपको आइडिया मिल जाएगा। हाँ बेटा यही हमसे भी बोले थे एकता, उन्होंने कहा था कि 11 तक वेट करने के लिए, तो एक बार आप लोग बात कर लीजिएगा, अगर वो क्लास बेटा पढ़ाते हैं तो ठीक ही है, ठीक है। चलो बेटा बहुत अच्छा, आप लोग बेटा जुड़े रहे इसके लिए थैंक यू, थोड़े बेटा तबीयत कम सही है, बट कल क्लास बेटा नहीं लेंगे, कल क्लास आप रखेंगे, कल के बाद बेटा क्लास पे थोड़ा तबीयत सही हो जाए, ठीक है ना, तबीयत बेटा सही हो जाएगी हमारी तो प्रॉपर, अभी बड़ा एनर्जी से क्लास पढ़ाई नहीं जा पा रही, मज़ा नहीं आ रहा है कि क्योंकि क्लास बेटा रेगुलर पढ़ाया गया है और क्लास बड़ा एनर्जी के साथ पढ़ाई जाती है तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा फीवर बेटा बना हुआ है कंटिन्यूअस। हाँ बेटा एक था काढ़ा पी रहे हैं बेटा, काढ़ा पी रहे हैं, परेशान मत होइए बेटा, जल्दी ठीक हो जाएंगे, चलिए ठीक है, रखा जाए, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। और